नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम टू मिस्टर जयपुर व्लॉग्स। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी जो कि JNVU छात्र संघ अध्यक्ष हैं और छात्र हितों के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन से हमेशा वो छात्र हितों के लिए बहुत बार भिड़े हैं, और जिस तरीके से उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार चेताया है और कई बार उन्होंने जैसे सीधी टक्कर ली है और बहुत बार छात्र हितों के लिए उन्होंने कई बातें मनवाई भी हैं, और जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने कार्य किया है और जिस तरीके से अब रविंद्र सिंह भाटी कंटिन्यू चाहे महामारी हो उसके अंदर भी छात्रों के हितों के लिए पीछे नहीं रहे हैं, इसी को टी ने हाल फिलहाल अभी एक प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि अभी जो फिलहाल JNVU के अंदर एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल जो कांस्टेबल एग्ज़ाम है उसकी तैयारियां स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो उसको लेकर जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। तो जिसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया उस पर प्रशासन केस दर्ज करवा देना महामारी एक्ट के तहत वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के अनुसार और बाकी जो उन छात्र हैं उनके अनुसार और भी हालिया बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे, लेकिन उनमें महामारी एक्ट के तहत कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया। इस केस को दर्ज करने के पीछे ये हवाला दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था, ना ही वहाँ पर कई लोगों ने मास्क लगा रखे थे, तो इसके तहत वो केस दर्ज किया गया है। इस केस को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने भी बहुत सारी आवाज़ उठाई है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन आवाज़ दबाने के लिए ये सारी कोशिशें कर रहा है उसको लेकर उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, छात्र हितों के लिए कुछ दिन पहले किया गया प्रदर्शन में छात्रों की बुलंद आवाज़ को देखकर प्रशासन ने अपनी खामियां छुपाने और आवाज़ को दबाने के लिए महामारी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए। छात्र हितों की आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है और प्रशासन छात्र शक्ति की आवाज़ को दबाने का जितना चाहे जोर लगा ले, मैं अपने कर्तव्य की पालना करूँगा और हमेशा की तरह हर छात्र की आवाज़ बनूँगा। तो रविंद्र सिंह भाटी ने जो ये फेसबुक पोस्ट किया है उन्होंने इस चीज़ को दर्शाया है कि किस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने साफ साफ ये आरोप लगाया है विश्वविद्यालय प्रशासन को कि उन्होंने ये छात्रों की आवाज़ दबाने और खुद की खामियां छुपाने के लिए ये महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। तो छात्र हितों की आवाज़ है हमेशा उठाते रहेंगे, जिस तरीके से वो हमेशा उठाते रहे हैं, तो बहुत से लोगों द्वारा और रविंद्र सिंह भाटी खुद उनके द्वारा इस पर सवाल उठाए गए हैं कि महामारी एक्ट के तहत पहले केस दर्ज नहीं हुए और अब ये केस दर्ज हुए हैं। तो फिलहाल जो थाना अधिकारी है, जब उनसे पूछा गया कि पहले केस दर्ज क्यों नहीं हुए जो हालिया अभी 3-4 प्रदर्शन हुए थे, तो थानाधिकारी द्वारा कहा गया कि फिलहाल जो केस दर्ज इसलिए नहीं हुए, अभी अभी वो इस थाने में पोस्टेड होके आए हैं, तो पहले उनकी पोस्टिंग होती तो वो पहले भी केस दर्ज करते, ये थानाधिकारी द्वारा दिया गया बयान है। तो अब किस तरीके से ये केस की जांच होती है, जो रिपोर्ट आती है, और छात्र हितों के लिए रविंद्र सिंह भाटी जो हमेशा खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े रहते हैं, क्या उसी तरीके से अपनी आवाज़ हमेशा के लिए बुलंद रखेंगे? क्योंकि आपने पिछले 1-1.5 साल में देखा है रविंद्र सिंह भाटी छात्र हितों के लिए हमेशा प्रशासन की नाक में दम करके रखते हैं और छात्रों के लिए वो हमेशा डट के खड़े रहे हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो हमेशा उन्होंने छात्रों का साथ दिया है। क्योंकि वो जिस तरीके से कहते हैं कि छात्र शक्ति ने उन्हें जिताया है और अगर वो उनके लिए नहीं खड़े रहेंगे तो उनका अध्यक्ष बनना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए रविंद्र सिंह भाटी हमेशा दबंग अंदाज में खड़े रहते हैं छात्रों के लिए। तो ये जो केस दर्ज हुआ है, अब उसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं आए हैं, अब उस पर क्या जाँच होती है और जो केस दर्ज हुए हैं उनके बारे में आगे क्या जो प्रोसेसिंग होती है, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन सबको जानने के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।